Hey, hello guys. And basically, अगर ये मैं तुम देख रहे हो ये वीडियो, वैसे पता नहीं मैं अपलोड करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि हालत 12 बजा हुआ है मेरा, मॉर्निंग से लेकर अभी तक एकदम से घूमे जा रहा हूँ मैं। एंड मेरे लिए भी सरप्राइज भेज रहे तुम लोगों के लिए भी, बट हाँ काम कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम में आए हैं हम। आगे जाएंगे तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली हम किस काम में लिए आए हैं। एंड बेसिकली अभी जस्ट मैं स्टेशन से बाहर निकला, कौन सा स्टेशन है ये, काचरा पारा करके कोई भी है, कोलकाता में ही स्टेशन है, तो वहाँ से अभी जस्ट निकल के निकला मैं। देखते हैं कि आगे मैं तुमको खा लेगा तो देख लेना, वैसे वीडियो में आगे जाकर तुमको पता ही चला जाएगा। वैसे कैसे हो लोग, बहुत दिन के बाद वीडियो आएगा तो बता देना कमेंट्स पर कैसे हो सब कोई। एंड गाली वाली मत देना यार, फ़ोन का थोड़ा सा इशू हुआ था, अभी भी है इशू, वैसे फिक्स नहीं हुआ है, बट ट्राई कर रहे फिक्स करने के लिए। थोड़ा सा गैस कर लो कि क्या करने वाले। अभी मेरे को बहुत जल्दी है, जो दुकानदार है, एक्चुअली मैं फ़ोन ही लेने आया हूँ, अब क्या फ़ोन है तुमको बाद में पता चल जाएगा। और रात हो रहा है भाई, इवनिंग हो रहा है ना, उसको मेरे को शॉप वाले को कॉल करना है, कॉल करके फिर मैं तुमको शॉप में ही दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। आप रास्ता वास्ता देखना तो देख लेना वीडियो में, देख रहा हूँ चलो। तो बेसिकली हम अभी जा रहे हैं दुकानदार के पास, मैं फ़ोन लगा लेता हूँ, रुको। कहाँ कहाँ घूमने पड़ेंगे, मेरे को पूछ पूछ जाना पड़ेगा गाइस, मेरे को पता भी नहीं है कि कहाँ क्या है। हाँ दादा, ये विमल साड़ी सेंटर इधर मिल नहीं रहा है, मार्केट में तो मिल ही नहीं रहा है। तो अभी हम बस कॉल पे ही हैं दुकानदार के साथ, बस अभी हम आ ही रहे। अब पता नहीं कहाँ पे, ओह इधर है, मिल गया मिल गया मिल गया, दिख गया। सो तो फाइनली गाइस शॉप के पास। अरे किधर गए, ये देखो एस समथिंग करके है, एस टेलीकॉम। सो यहाँ से हम लेने वाले हमारे लिए मोबाइल, देखते हैं क्या होता है। अब मोबाइल वाले देखे भी फिर आता हूँ वीडियो में, देखो। सो गाइस बेसिकली हमारे जो शॉप ओनर है उनके साथ बात करने के बाद, परमिशन लेने के बाद वीडियो कर रहा हूँ, पता नहीं अभी क्या होने वाला भाई। मैं बस तुमको फ़ोन दिखाऊँ क्या गाइस, जब पहले इसमें तो साला कैमरा भी टिल्ट नहीं कर सकता, दिखाऊँ किसको दिखाऊँ, ये देख लो इसमें टिल्ट नहीं हो रहा है, फ्रंट से शूट नहीं हो पाएगा, फिर मेरे को बंद करके बैक में जाना पड़ेगा। ये तो बेसिकली ये वाला फ़ोन लेने आए हैं, तो मेरा जो फ़ोन था चेक करो तो आप रखो, दिख रहा है ये वाला, अब तुमको फिर चेक चेक करके बताता हूँ क्या है, ठीक है। देखिए दादा का नाम है, दादा का चेहरा याद रख लो, दादा का नाम है समर, ठीक है। तो आके दुकान से मस्त वाला परचेज करके रखे जाना, मैं तुमको दुकान के एरिया पर घुमा के दिखाई देता हूँ। ये देख लो ये आपका, ये देखो ये है दुकान दादा का, लोकेशन वगैरह ठीक है चेक कर लेना, दादा के पास आके परचेज कर लेना फ़ोन भाई, एकदम मस्त बहुत अच्छे हैं, ठीक है अच्छा डील्स भी मिलेगा, एकदम मस्त मस्त डील्स मिलेगा। तो फिर लेके चलते हैं, फिर मैं घर जाके फिर तुम लोग को बाकी चीज़ें बात करता हूँ, चलो टाटा, अभी काफ़ी देर हो गई मेरे को जाना है। सो गाइस ब्लॉग के स्टार्टिंग में तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने फ़ोन लिया था, बस मैंने बोला था कि तुमको घर जाके एक बार और ना बॉक्स वगैरह ओपन करके दिखा दूंगा। सो मैं ये खाली बॉक्स है, फ़ोन यहाँ पे,
फोन को मैंने ऑलरेडी सारा कुछ सेटअप वेटअप कर दिया है, तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये टूटा हुआ एप्पल का लोगो, तुमको लोगो तो दिख रहा होगा। ये एक्चुअली कवर है, ये बहुत अच्छा कवर मिला मेरे को मार्केट से, मैंने लगा दिया भाई, भाई अपना चला जाएगा ना। सो ये रहा अपना फ़ोन ब्लैक हमने लिया हुआ है, ये रहा अपना कवर एज यूजुअल। हम अभी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर चीज़ का तो अनबॉक्सिंग करते ही है, थोड़ा बहुत इसका भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं और एक बार प्रोफेशनली, है ना। सो ये रहा हमारा फ़ोन, ये हमारा आईफोन 11 ब्लैक कलर 128 जी वाला वेरियंट है मेरा फ़ोन का। भाई साहब क्या ही इसका बोल सकता हूँ मैं, कैसे तुमको दिखाऊँ। अब तुमको शायद दिख रहा होगा फ़ोन आईफोन 11 ब्लैक 128 GB इधर लिखा हुआ है, ये वाला साइड पे, ये वाले एरिया में लिखा हुआ है आईफोन 11 ब्लैक 128 GB, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। सो ये मेरा वेरेंट है और यही फ़ोन है मेरे पास। और ये पता है गाइस मेरे को ये फ़ोन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मतलब मिला हुआ है, पूरा ब्रांड न्यू बोल नहीं सकते इसको, बट है ये ब्रांड न्यू, क्योंकि स्टोरी बता रहा हूँ तुमको क्या हुआ। अब तुमको ब्लॉग में दिख रहा होगा जो शॉप है, मैंने उनका शॉप के बारे में मुझे पता चला यूट्यूब वीडियो से, फिर मैं वहाँ पे उनसे बात किया, वो दादा जो थे वो काफ़ी अच्छा भाई थे, उन भाई से बात बात करके सब कुछ मैंने फ़िक्स किया पैसा वगैरह, एंड उनको बोला कि एटलीस्ट फ़ोन को 7-8 महीने वारंटी में होगा, वो फ़ोन चाहिए आईफोन 11। सो उन्होंने मुझे ये ढूंढ के दिया, बोला मुझे एक्चुअली चाहिए था रेड कलर का, लेकिन रेड अवेलेबल नहीं हो रहा था तो ब्लैक ही ले लिए हम। बट यार किस्मत इतना अच्छा कि हमको विद इन वारंटी वाला फ़ोन मिल गया, वो भी बैटरी हेल्थ 100% है, कोई इशू नहीं है फ़ोन का, एकदम चकाचक फ़ोन है, तुमको नया ही लगेगा गाइस। और अभी भी 6 या 7 महीने का वारंटी बाकी है इस फ़ोन पे, बस फ़ोन को लिया हुआ अब शायद 5 महीना हुआ है, जब ये फ़ोन जब परचेज हुआ था। फ़ोन का बॉक्स है हमारे पास, अगर हम बॉक्स को कंटेंट देखेंगे तो आज अब तो कोई यू नो बॉक्स में कुछ मिलता भी नहीं है, इतना पतला सा जो बॉक्स दे रहे हैं हमारा गाइस, मोबाइल को हम लोग का हमारा पहला आईफोन, एंड बॉक्स में देखो कंटेंट तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ये है उसका ओरिजिनल बिल। सो मेरे पास ऐसा नहीं कि वो दो दादा दिए हैं, वो एकदम ओरिजिनल बिल भी मुझे दिए हैं, ये रिलायंस डिजिटल का तुमको बिल दिख रहा होगा, ठीक है, रिलायंस डिजिटल का बिल है। तो जो ओनर था वो उन्होंने इस फ़ोन को उन्होंने दिया हुआ है दादा को, तो उन्होंने पूरा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, फ़ोन के साथ ये ओरिजिनल बिल भी है फ़ोन का, जिसमें सारा कुछ मेंशन है। अभी भी मैं देखा हूँ 7 महीने का अभी भी वारंटी बाकी है। ये चार्जिंग केबल टाइप 2 है, मतलब टाइप C2 लाइटनिंग वाला हमारा प्यारा केबल मिल गया हमको फ़ोन के अंदर ही, जैसे मिलता है वैसे ही है एकदम, ये भी अच्छा कंडीशन में ही है। और ये रहा हमारा पन्नी, देखो ना हम लोग एकदम नया फ़ोन नहीं मालूम है, तुमको बोल रहा हूँ सब कुछ अवेलेबल है गाइस, सब कुछ, ये तो बस ऐसे ही है कुछ नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें मिलती है आईफोन का स्टिकर हम किधर लगाएंगे पता नहीं यार, रहने देते हैं जैसे ऐसे ही लगा देंगे बाद में। और ये रहा हमारा आईफोन का ये वारंटी बेसिस कुछ चीज़ें, एंड बस यही सब चीज़ें मेंशन है, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यही सब है और कुछ है नहीं। सो बेसिकली यही सब चीज़ें इसमें मिलता है जो सबको मिलता है, और हमको भी वही मिला है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओह और एक चीज़ ये था एक्चुअली, ये था शायद इसका वारंटी, तो इसको हम इधर रख लेते हैं। और ये तो सिम इजेक्टर टूल है, वही है बस मिल गया, ये सब चीज़ें हमारे पास डिजाइंड बाय एप्पल, दिख रहा है क्या गाइस तुमको, ये डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ओहो हमको, मैंने तो कभी सोचा है भी नहीं था कि मैं आईफोन ले लूँगा गाइस सच में, बट ले लिया, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सब चीज़ ऐसे रहेगा, और ये उन्होंने ये मेरा नाम का बिल भी दिया है, ऐसा नहीं कि वही एक बिल है। और ये देखो ये मेरा बिल पड़ा हुआ है सब कुछ चीज़ें, ठीक है ना, तो तुमको दिखने से शायद दिख ही जाएगा। सो ये देखो ये मेरा नाम का बिल है शक्ति शेखर साहू, और ये मेरा एड्रेस डाला हुआ है, हालांकि एड्रेस है उन्होंने मेरा परमानेंट वाला डाला हुआ है मेरा घर का, मैंने उनको बोल दिया एड्रेस उधर का है तो वो ठीक ही है। और ये देखो डेट इनवॉइस डेट कब का है, 16 मार्च को मैंने ये फ़ोन लिया है। सो और मैंने अमाउंट भी कितना पे किया है देख लो, 40
40,000 का मैंने फ़ोन लिया है। एंड देखो यार, अगर तुम मार्केट में जाओगे नया परचेस करने के लिए, तो नया फ़ोन को तुमको आ जाएगा करीब करीब 60,000, करीब करीब का 55-57,000 आ ही जाता है। एंड्रॉयड मतलब iOS तुम्हारा आईफोन 11 128 GB का जो वेरिएंट है, सो उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी नो सस्ते में मिल गया। वारंटी में भी फ़ोन है और 40,000 में मिल भी गया फ़ोन, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये देख लो गाइस, जिनको कांटेक्ट वगैरह करना है फ़ोन का, तुम्हारा जो दादा का शॉप है उसका पूरा डिटेल्स ये देख लो, इनवॉइस का देखना। सो ये उनका इनवॉइस के ऊपर उनका पूरा एड्रेस मेंशन है, कहाँ पे है, उनका फ़ोन नंबर भी मेंशन है। पहला वाला नंबर पे कॉल कर लेना है, वो मैंने शायद दूसरे नंबर पे कॉल किया था, बहुत अच्छे हैं वो, फोन कॉल का रिस्पॉन्स भी करते हैं, सब कुछ एकदम मस्त, बहुत अच्छे हैं वो। और वीडियो में भी तो उनसे पहले ही मिल चुका होगा तुम लोग, तो जिनको भी कांटेक्ट करना है यहाँ से कर लेना, या फिर मैं तुमको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अच्छा डिटेल्स, ठीक है। तो यही हो गया हमारा चीज़ सब, और हम फ़ोन को बूट मार लेते हैं गाइस एक बार तुम लोगों के सामने, है ना, वो एप्पल थोड़ा चमकाना भी ज़रूरी है ना गाइस। सो ये लेते हैं, थोड़ा सा चमका देते हैं, हैप्पी बर्थडे गा लो गाइस टू आर फर्स्ट एप्पल आईफोन 11, वाह मज़ा आ गया। इसको मैंने कवर सवर डाल के एकदम चमका दिया है, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम, ये हो गया हमारा चीज़ें, मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा लेता हूँ। सो ये हो गया अपना सामान, सब कुछ रेडी, ठीक है। ये है हमारा फ़ोन, वाह आईफोन वा सेट वा हो गया हमारा सब कुछ, हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, जल्दी स्ट्रीम भी चालू कर देंगे, ठीक है, सब कुछ सेट हो चुका है। देखो मैंने VGMI भी इंस्टॉल कर लिया है इसमें ऑलरेडी, तो लेकिन यार माइनक्राफ्ट का अभी मेरे को उस पर पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, मैं भिखारी हो गया हूँ, अभी माइनक्राफ्ट का थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो इकट्ठा हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूँगा माइनक्राफ्ट भी। एंड साथ ही में हमने ये भी परचेज़ किया है गाइस, USB-C, हालांकि दादा ने मुझे एक दिया था, ये दूसरा देखो एडाप्टर है, दादा ने दिया था लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने और एक बार नया ख़रीद लिया। मैंने इसको भी अनबॉक्सिंग करके चेक किया था, तो ये है हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये है हमारा एप्पल जेन्युइन प्रोडक्ट, चार्जर है, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग है, उसका एडाप्टर है, केबल तो हमारे पास है ही, वो केबल मैंने चेक कर लिया, केबल हमारा एकदम सही है, ओरिजिनल ही है, जो बॉक्स के साथ आता है वही वाला केबल है हमारे पास, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। सो ये हो गया हमारा चार्जर एप्पल का, ये हो गया हमारा आईफोन वा 11 वा, और ये हो गया हमारा केबल पेबल बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ये हो गया बिल, और ये डबल बिल और ये हो गया हमारा बॉक्स। सो यही है गाइस आईफोन का हमारा अनबॉक्सिंग वगैरह कर ली हम, ये हमारा वेरिएंट भी मैंने बता दिया ना तुमको, 128 GB वाला वेरिएंट है, रैम तो उसमें एज यूजुअल 4 GB ही रहता है, बट ये 4 GB एंड्रॉयड का 12 GB से मुकाबला लेने के लिए काफ़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी इसमें बाकी सब एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि स्ट्रीम चैम वगैरह स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम इसमें तुरंत। सो यही है बस बात हमारा, चलो अभी ब्लॉगिंग स्लॉगिंग भी इसमें से ही करेंगे फिर नेक्स्ट, मज़ा आएगा। और ठीक है गाइस, बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, आपके सपोर्ट के चलते ही मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, सो कीप सपोर्टिंग, बहुत सारा प्यार दिखाना आगे। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना दिन तक कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, स्ट्रीम नहीं कर पाता, तुमको पता है गाइस मेरा फ़ोन का इशू हुआ था, अभी तो बस आईफोन अनबॉक्स हुआ, आगे और भी बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग क्या, और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होने वाली है आगे जाके, तो वेट करो, रुको जरा, सबर करो, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो में नए हो देख रहे हो तो गाइस यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे करना, एंड शेयर कर देना यार। एंड दादा के दुकान से अगर किसी को, जो भाई को मैं दुकान से मैंने परचेस किया फ़ोन, अगर तुमको नया भी ख़रीदना है या फिर पुराना भी, मतलब यू नो ऐसे यूज वाला ख़रीदना है, तो तुमको मिल जाएगा दादा की दुकान से सब कुछ, नंबर में कॉल करके देख लेना कोलकाता में जो भी हो। सो यस बस इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, चुमी।